वेलकम टू अपर्णा वंडर वर्ल्ड। और आज आप और हम एक और अमेजिंग जगह देखने जाने वाले हैं, नियाग्रा फॉल्स। तो आपको सुना ही होगा, नियाग्रा फॉल्स की हॉलीडे लाइटिंग देखेंगे हम आज, अमेजिंग लाइटिंग। और आसपास का एरिया भी आपको दिखाएंगे, बहुत सुंदर डेकोरेटेड सारा एरिया भी दिखाएंगे। तो चलिए इस साइड देखते हैं, यहाँ से हम जाएंगे नियाग्रा फॉल्स की ओर। आप देख सकते हैं पाथवे में भी बहुत सुंदर उन्होंने लाइटिंग्स की हुई है, बहुत अमेजिंग लाइटिंग की हुई है। चलिए तो हम यहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं लाइटिंग्स, हॉलीडे लाइटिंग्स देखने की। लेट्स गो। इतने अच्छे से डेकोरेट किया है पूरा पाथवे। तो आप मेरे राइट साइड देख सकते हैं, बैक साइड लाइटिंग्स यहाँ से स्टार्ट हो रही हैं, और लेफ्ट साइड में नियाग्रा फॉल्स है। तो वो हम लास्ट में लाइटिंग देखने के बाद वहाँ चलेंगे और नाइट व्यू देखेंगे, बहुत ही ब्यूटीफुल अमेजिंग कलरफुल होता है वो भी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं जर्नी यहाँ से लाइटिंग देखते हुए। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन प्यारा इसको ऊपर तक डेकोरेट किया है। देखिए मल्टी कलर इन्होंने डेकोरेट किया है। ये देखिए जो कोन सारे डेकोरेट किए हैं, वाइट येलो ब्लू, बहुत सुंदर लग रहे हैं ये। दिस साइड बहुत सुंदर, और इस साइड आप देख सकते हैं जिंजर ब्रेड होम बनाया हुआ है, बहुत ही प्यारा। ये देखिए देखिए ये भी एक होम और ट्री बनाया है, बहुत ही प्यारा सा छोटा सा। ये देखिए फिर जिंजर ब्रेड हाउस बनाया है, बहुत ही प्यारा। ये जिंजर ब्रेड हाउस का दूर से आप लुक देख सकते हैं। लाइटिंग्स लगाई है बहुत लंबी, बहुत अच्छी ट्री में। चलिए हम इस साइड टर्न हो जाते हैं अब, और आप पीछे बैक में देख सकते हैं बहुत ही सुंदर लाइटिंग्स हैं। हम उस साइड भी जाएंगे जहाँ पे प्ले लिखा है और जहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स भी बने हैं, हम उस साइड भी जाएंगे अभी धीरे धीरे। तो पहले इस साइड का व्यू हम देख लेते हैं, क्योंकि जो लाइटिंग्स है वो बहुत वाइड स्प्रेड, बहुत लार्ज एरिया में इन्होंने डेकोरेट की है। तो हम धीरे से चलते हुए सारा एरिया कवर करेंगे। फर्स्ट हम ये देख लेते हैं, तो क्रिसमस ट्री का लुक दिया है ऐसा कोन बना के, बहुत ही अच्छा। और ये मेरे पीछे लाइटिंग से यूनिकॉर्न बनाया है, बहुत ही सुंदर दिख रहा है वो। पास से देख सकते हैं वाइट कलर की। और फिर हम उस साइड भी देखेंगे, वहाँ भी शायद टेडी बियर्स और कुछ और लाइटिंग की हुई है एनिमल्स की, बहुत ही प्यारी। तो चलिए पास से चल के देखते हैं, बहुत ही प्यारा प्ले लिखा हुआ है वहाँ पे कलरफुल। तो ये कलरफुल ट्री ऊपर तक बहुत ही प्यारा सजाया हुआ है पूरा। ये कोन भी देखिए आप, सुपर, बहुत ही प्यारी जगह है ये, मज़ा ही आ गया। बहुत सुंदर सजाया है, बहुत मेहनत है, बहुत ही मेहनत है, बहुत ही मेहनत है। अमेजिंग हॉलीडे लाइट्स हैं, अमेजिंग। तो देखिए मेरे पीछे आप देख सकते हैं पोलर बियर बनाया हुआ है, देखिए लाइट्स, बहुत ही सुंदर एनिमल्स बनाए हैं यहाँ पे, जैसे वहाँ पे यूनिकॉर्न देखा था। पोलर बियर है एंड ये बड़ा वाला पोलर बियर है, ये वाला बड़ा पोलर बियर है। देखिए दोनों पोलर बियर दिख रहे हैं हमें यहाँ से, बेबी पोलर बियर भी। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं तीन फेरीज दिख रही होंगी, लाइट्स बहुत सुंदर लगाई हैं, सजाई हैं उन पर भी।
ये देखिए, अच्छा बहुत अच्छा सजाया है इन्होंने, सच में बहुत मेहनत की है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं रेनडियर्स बनाए हैं उन्होंने लाइटिंग से, और उसके पीछे आप देख सकते हैं क्रिप्टन हिल्स की फेरिस व्हील आप देख सकते हैं, हम वहाँ भी जाने वाले हैं। ओके, वो भी एरिया आपको पास से दिखाएंगे, तो फिलहाल अभी चलते हैं हम यहाँ रेनडियर्स को देखते हैं पास से। यहाँ पे भी बहुत सुंदर रेनबो बनाया है, देखिए वेलकम टू नियाग्रा पार्क्स भी लिखा हुआ है, सुपर। और आप पूरा राउंड द सर्कल देख सकते हैं, दूर दूर तक बहुत ही प्यारी लाइटिंग की गई है। और ये वाटर फाउंटेन है, इसको भी बहुत ही अच्छा डेकोरेट किया है। तो देखिए आप मेरे पीछे देख सकते हैं वो जो ट्री है, बहुत ही प्यारा सजाया है, जैसे कि बर्फ गिर रही हो, आइस उसमें से गिर रही हो, ऐसे बहुत ही प्यारा उसका टेक्सचर जो है बनाया है, डिज़ाइन जो है बनाई है। मैं आपको जूम करके भी हल्का सा दिखा देती हूँ। और मेरे राइट में देखिए तीन कोन बनाए हैं, पीछे देखिए ट्री भी है जो येलो और ब्लू में बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन करके डेकोरेट किया है। और आप इस साइड भी देख सकते हैं, इस ट्री को भी बहुत ही ऊंचा ट्री है, इसको ब्लू कलर से कोन की तरह इसको डेकोरेट किया है, और बीच में भी इसको येलो लाइट से डेकोरेट किया है, तो हम इसके बीच में भी जाएंगे। और ये ट्री देखिए येलो कलर का पूरा ऐसे गोल्डन ट्री लग रहा है, और ये ट्री देखिए बहुत पास से। ये देखिए ये ब्लू कलर का ट्री देखिए कोन, वाओ। वहाँ पे रेनबो भी दूर पे आपको दिख रहा होगा, जिसमें वेलकम टू नियाग्रा पार्क लिखा हुआ था। तो ये देखिए आप टोटल 360 व्यू पूरा ब्यूटीफुल डेकोरेशन का, बहुत ही वाइड रेंज में, बहुत ही डिस्टेंस में ये सजाया हुआ है, बहुत ही दूर दूर, एरिया बहुत ही बड़ा है। जैसे अभी यहाँ पे हम ब्लू लाइट्स और ब्लू कलर का जो बड़ा ट्री देखे थे अंदर से, बहुत ही खूबसूरत वो देखा हमने, और फिर हमने देखा वो रेनबो जिसमें लिखा हुआ था नियाग्रा पार्क, वेलकम टू नियाग्रा पार्क, वो भी बहुत डिस्टेंस में था, हम चल के इस तरफ आए हैं। और वैसे ही पोलर बियर देखा था, यूनिकॉर्न देखा था, वो भी बहुत दूर है यहाँ से जो व्यू आप देख रहे हैं। तो ये बहुत ही वाइड रेंज में फैला हुआ है ये ब्यूटीफुल डेकोरेशन। तो ये देखिए अभी आप पेडेस्ट्रियन वॉक आप देख ही रहे हैं, इस यहाँ से हमें वॉक करके उस साइड जाना है, तो अभी तो कारें जा रही हैं, अभी हमें वेट करना है। तो जब ये हमारा यानी पेडेस्ट्रियन वॉक का सिग्नल ग्रीन करेंगे, हमें जाने बोलेंगे, तब हम उधर उस साइड जाएंगे और लाइटिंग देखेंगे, तब तक के लिए विल वेट। तो हम वहाँ से इस पार आ गए हैं वॉक करके, और आप देख सकते हैं सुंदर लाइटिंग, बहुत ही प्यारी बेहतरीन। सुपर्ब लाइटिंग, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये देखिए मैंने पूरा ऐसा सर्कल राउंड जैसा बनाया है, शेप डिज़ाइन बनाई है, और बहुत अच्छा लग रहा है, मज़ा ही आ गया यहाँ पे आके। तो ये देखिए सर्कल जो ये बनाया था, इसका एक लुक बहुत ही प्यारा लग रहा है। और आज बहुत ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड है, मे बी -8 या 9 है अभी यहाँ का टेम्परेचर नियाग्रा का।
पर फिर भी इतनी सब सुंदरता और ब्यूटीफुल लाइट्स देख के पता ही नहीं चल रहा ठंड का। बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए, ये इस साइड भी इन्होंने कोन बनाए हैं और पीछे देखिए आप वाटरफॉल दिख रहा है। यहाँ से भी दोनों लुक ब्यूटीफुल, वाटरफॉल के साथ कलरफुल लाइट्स, सुपर्ब। सारा आप डेकोरेशन देख सकते हैं पीछे, बहुत अच्छा किया हुआ है इन्होंने, बॉर्डर्स में बहुत अच्छा किया हुआ है। इस तरफ हिरन और सब सजाया हुआ है बहुत सुंदर। पास से देखते हैं चल के। ये देखिए पीछे में बहुत ही सुंदर हिरन बनाए हैं और डेकोरेट बहुत ही सुंदर किया है, बहुत ही प्यारी लाइटिंग है। एंड इन ब्यूटीफुल लाइट्स के साथ साथ हमें ये वाटरफॉल भी दिख रहा है, हॉर्सशू फॉल, कैनेडियन साइड का ये फॉल है। और ये पीछे अमेरिकन फॉल भी दिख रहा है। और ये देखिए लाइट इसके अंदर से हम आए, बहुत ही प्यारी। हाय, तो ये देखिए ये हैपनिंग जगह है बहुत, क्लिफ्टन हिल। आप देख सकते हैं दोनों शॉप्स हैं और बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं और डेकोरेटिव चीज़ें भी हैं। हॉन्टेड हाउस है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। जिसे डर नहीं लगता वो जा सकते हैं यहाँ, मुझे डर लगता है, मैं नहीं जाने वाली। तो अभी है टेम्परेचर -9 degrees और बहुत ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड है, फिर भी सारे एंजॉय कर रहे हैं, हम भी एंजॉय कर रहे हैं। इसलिए हम पूरी तैयारी से आए थे क्योंकि नियाग्रा में हमेशा ही शाम को बहुत ठंड होती है, खासकर विंटर्स में। कैप, जैकेट, मोटी मोटी जैकेट्स, हैंड ग्लव्स, मोटे बूट्स, विंटर बूट्स हम सारा ही पहन के आए हैं और एंजॉय कर रहे हैं ठंडे ठंडे वेदर के साथ, अमेजिंग लाइटिंग्स, ब्यूटीफुल डेकोरेशन को। होप आप सबको भी ये बहुत अच्छा लग रहा होगा देखना, लाइटिंग्स, डेकोरेशन, हॉलीडे लाइट्स एंड डेकोरेशंस। ये भी बैठे हुए हैं ठंड में चैन से, आराम से। आप मेरे राइट साइड में देख सकते हैं रिप्लीज का, बिलीव इट और नॉट, म्यूजियम है यहाँ पे, उसकी ये बिल्डिंग है। और आप उसका शेप भी देख सकते हैं, वो बहुत टिल्टेड बनाया गया है, बहुत ही खूबसूरत बनाया है। आप देख सकते हैं कि जैसे कार गिर रही है और बिल्डिंग भी टिल्ट हो गई है, वैसा बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर बनाया है। तो मैं आपको पास से दिखाती हूँ ले जाके कि वो कैसा है। चलिए, ये देखिए फायरमैन लटक रहा है। सारी बिल्डिंग आप देख सकते हैं बहुत टिल्टेड है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाए हैं ये, वाओ। तो ये देखिए फ्रंट साइड से ये बिल्डिंग ही ऐसी बनाई है जैसे बिल्डिंग गिर गई हो, और ऐसा ही स्ट्रक्चर बनाया है इस बिल्डिंग का। सुपर क्रिएटिविटी है, बहुत ही अच्छी, मज़ा ही आ गया देख के ये बिल्डिंग। तो हाय, ये देखिए यहाँ की क्लिफ्टन हिल की बहुत हैपनिंग जगह है, आप ग्रेट व्हील भी देख सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए मेरे पीछे आप ग्रेट व्हील भी देख सकते हैं और इसका नाम स्काई व्हील है। वैसे आप मेरे पीछे देख सकते हैं डायनासोर्स के बहुत सारे क्रिएचर बनाए हैं, बहुत ही अच्छा, अमेजिंग। ये गोल्फ कोर्स है बट यहाँ पे बहुत से टाइप के डायनासोर्स बनाए हैं, आप दिख
दिखाते हैं अभी एक एक करके पास से। ओके, तो जायंट भी है, स्मॉल भी हैं, बहुत अच्छे बनाए हुए हैं इन्होंने मॉडल्स, स्टैचूज, जो भी आप बोल लें आप देख सकते हैं। मैं आपको पास से दिखाती हूँ, देखिए ये देखिए कितना बड़ा डायनासोर बनाया है ये, बहुत ही अच्छा। तो देखिए माउंटेन दिख रहा है, हम उसके आगे भी जाके देखते हैं क्योंकि बहुत सारे और डायनासोर्स बनाए हैं वहाँ भी। अच्छा बनाया है ये, गोल्फ कोर्स है तो यहाँ पे लोग गेम भी खेलते हैं। और ये देखिए आप, बहुत ही सारे वैरायटीज के बनाए हुए हैं डायनासोर, जिसके फैन निकले हैं कुछ। पीछे भी आप देखेंगे बहुत ही बड़ा डायनासोर बनाया है। वैरायटीज के डायनासोर होते हैं, उसका स्टैचूज बनाए हैं, सारे डायनासोर के स्टैचूज बनाए हैं। नाम तो मुझे पता नहीं सारे डायनासोर के। ग्रेट व्हील भी दिख रहा है देखिए, और ये जायंट चेयर दिख गई मुझे। कोविड का समय नहीं होता तो ज़रूर बैठती इसमें मैं। तो अब नियाग्रा आए हैं, लाइटिंग देख रहे हैं। तो नियाग्रा आके नियाग्रा फॉल्स ना देखें ऐसा तो हो नहीं सकता। तो चलिए अब हम देखते हैं नियाग्रा फॉल्स। तो देखिए आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये अमेरिकन फॉल, इस साइड राइट साइड, और आप इस साइड देखेंगे तो हॉर्स शू फॉल, ये कैनेडियन साइड है। आप दोनों फॉल देख सकते हैं, रात में बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, कलर्स इनके चेंज होते रहते हैं तो ये और भी सुपर्ब दिखते हैं, कलर चेंज होते हैं तो देखिए। और वो जो फॉल है हॉर्स शू फॉल, वो हम पास जाके भी दिखाएंगे अभी आपको, वो बहुत ही अमेजिंग दिखता है, पूरा 180 डिग्री और बहुत ही अच्छा फॉल दिखता है वो वाटरफॉल जो है, तो वो पास जाके भी दिखाएंगे। और अभी आप दूर से दोनों का व्यू एक साथ देख सकते हैं अमेजिंग लाइट्स के साथ। तो ये जो फॉल है ये हॉर्स शू फॉल कैनेडियन साइड, ये आपको मैं पास से बाद में दिखाऊंगी। तो फर्स्ट अपन ये यहाँ से ये देख लीजिए, ये अमेरिकन साइड का फॉल है। और अब ये देखिए ये कैनेडियन साइड का हॉर्स शू फॉल, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। ये देखिए इसके जो कलर्स चेंज हो रहे हैं, और ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा बनाया है मैंने, बट मैं सारे कलर्स दिखाना चाहती थी और सारे कलर्स कैप्चर करना चाहती थी जो भी इसमें शो हो रहे हैं या डिस्प्ले हो रहे हैं। ये देखिए और इसकी ब्यूटी के आगे कुछ भी नहीं, ये वीडियो भले थोड़ा बड़ा हो, मेरा तो मन कर रहा है बस यहीं रुक जाओ और चैन से देखते रहो। आई होप आपको भी अच्छा लग रहा होगा ये जितना मुझे अच्छा लग रहा है। इसकी ब्यूटी, इसका व्यू और ये कलर चेंज होना बहुत ही प्यारा लग रहा है। और जो आवाज़ आ रही है वाटरफॉल की, पानी की, बेहतरीन, सुपर। इसका जो लुक दिख रहा है बहुत ही अच्छा दिख रहा है, ये देखिए। आई होप आप भी एंजॉय कर रहे होंगे व्यू, ये वाटरफॉल, और जिन्हें नेचर से प्यार है उन्हें ज़रूर अच्छा लगेगा। सो एंजॉय दिस मेस्मराइजिंग व्यू ऑफ नियाग्रा फॉल्स एट नाइट टाइम विथ कलरफुल शेड्स। तो ये है नियाग्रा फॉल्स, और मन तो नहीं कर रहा जाने का पर जाना होगा, वीडियो एंड करना होगा, तो चलिए जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं एंड करेंगे। तो ये रहा इस सीज़न का हमारा फर्स्ट हॉलीडे लाइटिंग वीडियो, और आगे भी हम जहाँ भी जाएंगे न्यू जगह एक्सप्लोर करेंगे या लाइटिंग्स की, और भी बहुत सारी प्लेसेस हम जाने वाले हैं, तो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड। हम उसके वीडियोज़ आपके साथ शेयर करेंगे, आपके साथ घूमेंगे। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।